Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have studied about Surya Namaskar. So, in previous lecture, we have studied about Surya Namaskar, where we have saw Surya Namaskar is a greeting to the sun. The formation of each posture must be done slowly and maintained for ten to fifteen seconds. We must take slow deep breath in and out. Then we have saw so various types of poses so such as Parmansthana, pre Pose, Hastausthana, Rest Arm Pose, Standing Forward Bend Pose, then Ekapath, Divya Path, then Salute with Eight Limbs Pose, Cobra Pose, Mountain Pose, then Ekapath again, then Standing Forward Bend Pose. Then raise arm pose and again pray pose. So this we have studied in a previous lecture that for Surya Namaskar. So I hope you have understood all those posture. Okay students, now let's move further. In today's lecture, we are going to see the new two topics. We are going to see or we are going to deal with new two topics that are rhythmic exercise and different body posture. So are you ready to learn these two new topics? वेरी गुड सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम काइंडली ओपन योर ईवीएस कंबाइन बुक पेज नंबर सेवेंटी नाइन तो बच्चों आपकी ईवीएस कंबाइन बुक का पेज नंबर सेवेंटी नाइन खोलो सो फर्स्ट वी विल गो रिदमिक रिदमिकाइज एंड स्टडी डिफरेंट बॉडी पॉश सो फर्स्ट काइंडली रिमूव योर ईवीएस कंबाइन बुक पेज नंबर सेवेंटी नाइन सो लेट स्टार्ट विथ इट सो वॉट इज मीन बाय रिदमिक एक्सरसाइज रिदमिक एक्सरसाइज यानी क्या रिदमिक एक्सरसाइज मतलब जहाँ पे रिदम चालू है और वो सॉन्ग या वो म्यूजिक पे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या डांस थ्रू एक्सरसाइज करते उसको ही हम रिदमिक एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि नॉर्मल एक्सरसाइज कैसे करते हैं जहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है कोई गाना प्ले नहीं है हम नॉर्मली काउंटिंग पे एक्सरसाइज करते हैं पर रिदमिक एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं तो रिदमिक एक्सरसाइज में जहाँ पे कोई सॉन्ग चालू है और वो सॉन्ग के ऊपर हम कोई प्रॉप्स लेके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एरोबिक्स कर रहे हैं ड्रिल कर रहे हैं उसको ही हम रिदमिक एक्सरसाइज कहते हैं जैसे कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स डे रहता है तभी हम क्या करते हैं तभी हम ये जो रिदमिक एक्सरसाइज है वो रहते लेते हैं ड्रिल्स लेते हैं एरोबिक्स लेते हैं जहाँ पे बच्चों के हाथ में कोई ना कोई प्रॉप्स दिया जाता है जैसे बॉल या स्टिक या हैंकर चिप या कोई भी ऐसा चीज़ दिया जाता है और फिर वो चीज़ लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप्स करते हैं और वो जो स्टेप्स हैं वो कैसे फॉलो किए जाते हैं वो स्टेप्स सॉन्ग पे फॉलो किए जाते हैं वो जितने भी स्टेप्स हैं वो सब स्टेप्स हम सॉन्ग जो प्ले किया है जो रिदम जो रिदम यानी क्या कोई गाना कोई म्यूजिक कोई सॉन्ग प्ले किया है उसके ऊपर वो सॉन्ग के ऊपर हम प्रॉप्स लेके डांस करते हैं स्टेप करते हैं एक्सरसाइज टाइप उसको ही हम रिदमिक ड्रिल या रिदमिक एक्सरसाइज कहते हैं जैसे अगर कोई सॉन्ग प्ले किया जाए तो उसके साथ हम कोई प्रॉप्स यानी बलून लेंगे अगर बलून लिया है तो बलून दोनों हाथ में लेके हम साइड हैंड करेंगे अप है करेंगे डाउन हैंड करेंगे तो वो सब हम वो जो सॉन्ग है उसके ऊपर उसके ऊपर काउंट आउट करके हम वो स्टेप कर रहे हैं जो सॉन्ग प्ले हो रहे हैं उसके साथ ही हम एक्सरसाइज करें उसको ही हम रिदमिक एक्सरसाइज कहते हैं नाव इन योर ईवीएस कम्बाइंड बुक ऑन पेज नंबर सेवेंटी नाइन दे हैव गिवन द दे हैव टोल्ड टू अरेंज द सिक्वेंस यहाँ पे उन्होंने हमें ड्रिल्स दिया है वो ड्रिल्स को हमें सिक्वेंस में लगाने पहले कौन से कौन से ड्रिल्स दिए वो ड्रिल्स हम देखने वाले उसको बाद हम सिक्वेंस में अरेंज करेंगे सो so, पहला कौन सा ड्रिल है बलून ड्रिल बलून ड्रिल यानी जहाँ पे बलून के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं उसको ही हम बलून ड्रिल कहते हैं तो यहाँ पे कैसे बलून ड्रिल किया जाता है तो यहाँ पे पहले पोजीशन में हम बलून को दोनों हाथ में पकड़ के स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं दोनों हाथ में स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन में खड़े रहते हैं उसके बाद बलून को हम दोनों हाथ में जो बलून पकड़ा है उसको दोनों अपने दोनों हाथ को साइड में स्ट्रेच करते हैं बलून लेके दोनों हाथ को साइड में स्ट्रेच करते हैं ये सेकेंड पोजिशन है थर्ड पोजिशन में हम कर क्या करते हैं हमारे दोनों हाथ को ऊपर स्ट्रेट अप लेते हैं बलून के साथ और फोर्थ पोजिशन में वही हम ऐसे शेक करते हैं और फिफ्थ पोजिशन अगर फिर से हम नीचे स्ट्रेट लाते हैं तो यहाँ पे आपको उन्होंने दिया और यहाँ पे उन्होंने सिक्वेंस में डालने के लिए बोला है तो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा आएगा जो लास्ट वाला पिक्चर है वो सबसे पहले आएगा जहाँ पे लड़की सीधी खड़ी है बलून लेके दैट पिक्चर विल कम फर्स्ट सो यू विल राइट वन नंबर इन दैट बॉक्स सेकेंड कौन सा है जो लड़की साइड में दोनों हाथ को साइड में फैलाया हुआ है दैट विल भी सेकेंड पिक्चर सो वहाँ पर आप सेकेंड नंबर डालोगे फिर थर्ड नंबर आप जहाँ पे वो लड़की ने ऊपर हाथ किया है थर्ड और उसके बाजू में सेम ऊपर हाथ वाला है वो फोर्थ आएगा सो दिस इज विच ड्रिल विच टाइप ऑफ ड्रिल दिस इज दिस इज बलून ड्रिल जहाँ पे हम दोनों हाथ में बलून लेके एक्सरसाइज करते हैं उसको ही हम बलून ड्रिल कहते हैं सो इन दिस वी टेक बलून इन द हैंड एंड वी डू एक्सरसाइज सो दिस इज नोन एज बलून ड्रिल ओके उसके बाद है नीचे है बॉल ड्रिल बॉल ड्रिल बॉल ड्रिल में क्या करते हैं तो एक ही बॉल हम हाथ में लेते हैं बलून में हम दोनों हाथ में दो बलून लेते हैं पर बॉल ड्रिल में एक ही बलून हम दोनों हाथ में लेते हैं फिर वह बलून के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं तो पहले एक्सरसाइज पहली स्टेप कौन सी है पहले हम बलून को हमारे हाथ में लेते हैं फिर उसके बाद बलून को हम सामने लेके आते हैं सीधा स्ट्रेट हमारे हाथ को स्ट्रेट करके सामने लेके आते हैं जैसे वो लड़की ने किया है सेकेंड वाली जो लड़की है उसने अपने हाथों में स्ट्रेट बॉल जो बॉल है उसको लेके आई है फिर थर्ड में हम बॉल को साइड में लेके जाते हैं लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं फिर उसके बाद हम वही बॉल को हम राइट साइड में लेके जाते हैं और फोर्थ में हम बॉल को फिर से आगे लेके आते हैं तो फर्स्ट वाला जो है पोजीशन जहाँ पे वो लड़की ने बॉल को नीचे हाथ में पकड़ा हुआ है दैट विल बी फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजिशन जहां पे वो लड़की ने बॉल को सामने लाया है वो दैट विल बी सेकेंड पोजिशन थर्ड पोजिशन जहां पे लड़की ने बॉल को साइड में लाया है दैट विल सो दिस इज अ बॉल ड्रिल वेर वी कैच द बॉल इन हैंड एंड वी ड्रू अ एक्सरसाइज विथ हेल्प ऑफ दैट बॉल सो दैट इज नोन एज बॉल ड्रिल ओके देन इट इज स्टिक ड्रिल स्टिक ड्रिल स्टिक ड्रिल में क्या तो हाथ में हमारे हाथ में स्टिक रहती है एक बड़ी वाली स्टिक रहती है और वो भी एक ही स्टिक रहती है दो स्टिक नहीं तो हमारे हाथ में एक बड़ी वाली स्टिक रहती है और वो बड़ी वाली स्टिक हम दोनों हाथ में लेते हैं दोनों हाथ में एक ही स्टिक को कैच करते हैं फिर वो स्टिक को हम आगे लेते हैं स्ट्रेट पहले हम उसको नीचे रखते हैं नीचे रखने के बाद वो स्टिक को हम उठा के आगे <laughs> हमारे दोनों हाथ को स्ट्रेट करके वो आगे स्ट्रेट लेते हैं जैसे वो लड़की ने किया है फिर थर्ड पोजीशन में वो स्टिक को हम साइड में घुमाते हैं अपने हाथों को स्ट्रेट करके वो साइड में घुमाते हैं और फोर्थ में फिर से हम वो स्टिक को स्ट्रेट लाते हैं और लास्ट में फिर से उसको नीचे लेके आते हैं तो पहले हम क्या कर करते हैं वो स्टिक को होल्ड करते हैं वो स्टिक को हाथ में होल्ड करने के बाद उसको हम नीचे स्ट्रेट अटेंशन पोजिशन में हाथ में रखते हैं उसके बाद वो स्टिक को हम आगे लेके आते हैं वो सेकेंड पोजिशन है स्टिक को आगे लेके आना वो सेकेंड पोजिशन थर्ड पोजिशन हम स्टिक को साइड में लेके आते हैं और फोर्थ पोजिशन में हम स्टिक को फिर से आगे लेके आते हैं सो दिस इज स्टिक ड्रिल वेर वी कैच द स्टिक्स इन आ हैंड वेर वी कैच द वन स्टिक इन हैंड एंड वी डू एक्सरसाइज विद हेल्प ऑफ दैट स्टिक सो दिस एक्सरसाइज और दिस ड्रिल इज नोन एज स्टिक ड्रिल तो ये स्ट्री ड्रिल को क्या बोलते हैं स्टिक ड्रिल कहते हैं उसके बाद है हैंकचिप ड्रिल हैंक ड्रिल यानी जहाँ पे हम एंकचिप का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करते हैं ड्रिल करते हैं उसको ही हम एंकचिप ड्रिल कहते हैं जैसे कि हैंक ड्रिल में हमारे दोनों हाथों में हैंक रहता है हमारे दोनों हाथों में क्या रहता है हैंक चिप रहते हैं वो हैंक को पहले हम अटेंशन पोजिशन में खड़े रह के दोनों हाथ में पकड़ते हैं फिर उसके बाद वो हैंक चीफ को हमारे हाथों में ही पकड़ के सेकेंड पोजिशन हम हमारे शोल्डर पर हमारे हाथों को रखते हैं हम हमारे दोनों हाथों को शोल्डर पे रखते हैं फिर थर्ड में हम दोनों हाथ को सपरेट साइड में करते हैं दोनों हाथ को साइड में सपरेट करते हैं और फोर्थ में फिर से हम दोनों हाथ को शोल्डर पे रखते हैं फोर्थ में अगेन वी पुट बोथ हैंड ऑन आर शोल्डर विथ हैंक चीफ. तो जितने भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम हैंकरचिप लेके उसको करते हैं साइड में स्ट्रेच करते समय भी हैंकरचिप को दोनों हाथ में रख के स्ट्रेच करते हैं और शोल्डर पे रखते समय दोनों हाथ के अंदर हम हैंकरचिप को पकड़ के करते हैं सो दिस इज हैंकरचिफ ड्रीम सो हियर द फर्स्ट पोजिशन इज़ वेर वी स्टैंड स्ट्रेट एंड वी कैच द हैंकर चिफ इन अ बोथ हैंड इन सेकेंड पोजिशन वी पुट अ बोथ हैंड ऑन अ शोल्डर विथ हैंकरचिप कैच इन अ हैंड इन थर्ड पोजिशन वी स्ट्रेच अ बोथ हैंड With, by catching the handkerchief in our hand and in fifth position again we put both the hand on our shoulder by catching the handkerchief so that will be fourth position so students here we have saw about rhythmic exercise where we have saw about balloon drill then we have saw about ball drill then we have saw about streak drill and then we have saw about handkerchief drill then we have mark it in a proper sequence also we have mark proper sequence of balloon drill then we have marked proper sequence of ball drill. Then we have marked a proper sequence of stick drill. And then we have marked the proper sequence of handkerchief drill. So you will complete this in your EVS combined book on page number 79. Okay. नाउ स्टूडेंट्स लेटस सी अ फर्दर दैट इज डिफरेंट बॉडी पॉस्चर डिफरेंट बॉडी पॉस्चर यानी हमारे बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट हम पॉस्चर करते डिफरेंट डिफरेंट पोजेस लेते हैं उसको ही हम डिफरेंट बॉडी पॉस्चर कहते हैं जैसे हम योगा करते तो योगा करते समय हम क्या करते हैं तो हमारे बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में लेके आते हैं हमारे बॉडी का डिफरेंट पोजिशन हम करते हैं हमारे बॉडी को डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट स्ट्रेच डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग में हम हमारी बॉडी को लेके आते हैं उसको ही हम डिफरेंट बॉडी पॉस्चर कहते हैं और ये डिफरेंट सब बॉडी पोश्चर हम एक्सरसाइज करते समय यूज़ करते हैं फिर योगा करते समय यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है इससे हमारा क्या होता है इससे हमारा स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है हमारा बॉडी बैलेंस इंप्रूव होता है हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है हमें कोई पेन नहीं होता कोई डिजीजेस नहीं होता कोई एंकल पेन कोई बोन पेन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम हमारी बॉडी को रेगुलर स्ट्रेच करते हैं और डिफरेंट बॉडी पॉस्चर डिफरेंट पॉस्चर में उसको हम रखते हैं और जो भी पॉस्चर करते हैं एटलीस्ट वो फिफ्टीन टू थर्टी मिनट तक हमें रखना चाहिए सो so, सेकेंड तक रखना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और जो भी पॉस्चर हम करते हैं वो हमें स्लोली करना है और रॉन्ग नहीं करना है अगर आप रॉन्ग करोगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको सहना पड़ेगा इसके लिए जो भी पॉस्चर आप लेते हो बॉडी का वो प्रॉपर लेना चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट बॉडी पॉस्चर नाव इन योर ईवियस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर बेटी दे हैव गिवन समथिंग अबाउट योगा सो लेट्स सी योगा इन इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन दैट ओरिजिनेट इन एंशंट इंडिया योगा ये जो है वो इंडिया का इंडिया के लिए गिफ्ट है आपने सुना होगा कि योगा जो है वो इंडिया में ही ज़्यादातर लोग किए करते थे और इंडिया से ही वो कॉन्सेप्ट आया हुआ है और वो कॉन्सेप्ट जो फॉरेन कंट्री से उन्होंने लिया है क्योंकि योगा बहुत इफेक्टफुल है हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं तो इंडिया के लिए योगा एक गिफ्ट है जो हमने पूरे वर्ल्ड को दिया है योगा ये इंडिया से जन्म हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड को हमने दिया हुआ है इट इज़ ए जनरल टर्म फॉर फिज़िकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन ये हमारे फिजिकल बॉडी के लिए भी इस्तेमाल किया है यूज़फुल है हमारे मेंटली बॉडी के लिए भी यूज़फुल है और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए भी यूज़फुल है अगर हम फिज़िकली करेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी मेंटली करेंगे तो हम स्ट्रेस फील फ्री रहेंगे और ये एजुकेशन यानी ये हमें जानने के बाद हमें बहुत सारा इनोवेटिव यानी बहुत सारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसे यूज़फुल है ये एंड डैट औरिजिनल इन एन एंशियन इंडिया और ये इसका ओरिजिन कब हुआ था हमारे पुराने जमाने में इंडिया के एंशंट टाइम में इसका जो जन्म है ये खोजा गया था सो so, योगा ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही आया है इट इज़ ओरिजिन फ्रॉम द एंशंट इंडियन नाफ इ रूल्स वाइल प्रैक्टिसिंग योगा जब भी, भी आप योगा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कौन से कौन से रूल्स याद रखने हैं वो अभी यहाँ पर बताए हैं प्रैक्टिस ऑन एन एम टी स्टमक और मिनिमम थ्री आवर्स आफ्टर ईटिंग जब भी आप योगा करोगे तो आपको आपका स्टमक एम टी रखना है थ्री आवर्स आफ्टर ईटिंग आपको खाने के बाद खाने के बाद तीन घंटा होने के बाद ही आपको योगा करना है और योगा करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको खाना है तो आपको कैसे करना है सी प्रैक्टिस ऑन एन एम टी स्टमक और मिनिमम थ्री आवर्स आफ्टर ईटिंग जब भी आपने खाना खाए उसके बाद तीन घंटा होने के बाद ही आपको योगा का प्रैक्टिस करना है तो आपको जब भी आपको योगा करना है तो आपको ध्यान में रखना है जो भी आपने खाना खाए उसको तीन घंटा हुआ है तो ही आप योगा कर सकते हो रिमेंबर टू वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लो जब भी आप योगा करते हो तो योगा में आपका स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी करना जरूरी है तो आपको डिसेंट क्लोथ जो क्लोथ आपको योगा करने के लिए कंफर्टेबल है वो क्लोथ आपको पहनना है आपको कोई टाइट क्लोथ या कोई ऐसा क्लोथ नहीं पहनना जिसके जिसकी जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हो जाए इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको कंफर्टेबल क्लोथ पहनना है परफॉर्म विदाउट वेयरिंग एनीथिंग ऑन योर फीट जब भी, भी आप योगा करते हो तभी आपके पैर में चप्पल सैंडल या शूज़ नहीं होना चाहिए जिम जाते हो तभी आप शूज़ पहनते हो पर योगा करते समय आपको आपके पैरों में चप्पल स्लीपर या शूज़ नहीं पहना है आपको नंगे पैर ही ये योगा करना है ओके यूज अ योगा मैट कारपेट और अ सॉफ्ट ब्लैंकेट जब भी आप योगा करते हो तो डायरेक्ट फ्लोर पे आपको योगा नहीं करना है आपको योगा के लिए या तो आपको योगा मैट यूज़ करनी है या तो आपके पास योगा मैट नहीं है तो आपको एक प्रॉपर कारपेट या सॉफ्ट ब्लैंकेट डाल के उसके ऊपर करना है ताकि आपके बैक को या बॉडी को कोई हार्म या नुकसान नहीं हो जाए फिर मेंटेन साइलेंस इन योगा रूम जब भी आप योगा कर रहे हो तो अभी वहाँ पे बातें नहीं करनी चाहिए वहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए जो जहाँ भी, भी जहाँ भी, भी प्लेस पे आप योगा करें रहे हो वहाँ पर पूरा साइलेंट होना चाहिए इट शुड बी साइलेंट देन ड्यूरिंग योगा वाइप योर स्वेट जेंटली विद हैंड ऑयल और पाम जब आप योगा करते हो तभी तो अगर आपको पसीना आ रहा है तो वो आपको हल्के हाथों से हल्के टॉयल से वो अच्छी तरीके से पहुँचना है आपको ऐसे वो जो पसीना है वो निकल के ऐसे फेंक नहीं देना आपको अच्छी तरीके से टॉयल से वो पहुँचना है रिलैक्स ऑन योर बैक फॉर टेन सेकेंड्स आफ्टर ईच एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको आपके बॉडी को दस सेकेंड के लिए रिलैक्स करना है एक योगा पोस्ट होने के बाद जल्दी से दूसरा योगा पोस्ट आपको नहीं करना है आपको एक योगा पोस्ट होने के बाद दूसरा योगा पोस्ट के लिए दस सेकेंड आपके बॉडी को आपको रिलैक्स रखना है ताकि आपकी बॉडी सेकेंड पोस्ट के लिए रेडी हो जाए डोंट ड्रिंक वाटर फॉर थर्टी मिनट्स आफ्टर योगा योगा करने के बाद थर्टी मिनट्स तक आपको पानी नहीं पीना है योगा करने के बाद थर्टी मिनट्स तक आपको पानी नहीं पीना है वो ध्यान में रखना आपको जरूरी है और योगा के पहले भी आपको पानी नहीं पीना है एटलीस्ट थर्टी मिनट्स बिफोर आपको पानी नहीं पीना है सो दिस ऑल रूल्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड सो रूल्स वेल प्रैक्टिसिंग योगाज आर प्रैक्टिस ऑन एन एमटी स्टमक और मिनिमम थ्री आवर्स आफ्टर ईटिंग रिमेंबर टू वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ

योगा क्लासेस है अब ये योगा क्लासेस तो नहीं हो सकता है तो आपको ये अगर इसमें से जो भी आपको जम रहा है वो आपको घर पे ट्राई करना है इसमें से जो योगा पोस्ट आपको आता है वो आपको घर पे ट्राई करना है बट अंडर योर पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन ओके उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक एक्टिविटी दी है लिस्ट ऑफ़ यू बेनिफिट्स ऑफ़ योगा तो यहाँ पे आपको जो भी बेनिफिट्स आपको योगा से मिलते हैं वो आपको लिखने हैं सो लेट्स राइट योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी योगा से हमारा स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है हमारा बॉडी बैलेंस होता है और हमारा बॉडी का फ्लेक्बिलिटी इम्प्रूव होता है योगा हेल्प्स विद बैक पेन रिलीफ़ योगा हमारे बैक पेन अगर हमारे हमको बैक पेन है तो वो हमें योगा से योगा करने से वो बैक पेन दूर हो जाता है सो योगा हेल्प विद बैक पेन रिलीफ योगा हेल्प हेल्पर्स टू मैनेज स्ट्रेस, योगा स्ट्रेस फ्री हमें टेंशन फ्री रखता है योगा करने से हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है वो हमें टेंशन फ्री रखता है क्योंकि हमारा माइंड साइलेंट में रहता है और हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं सो यू विल रेड दिस बेनिफिट्स इन योर ई वी एस कम्बाइंड बुक ऑन पेज नंबर एट्टी ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो नाउ लेटेस्ट रिकॉफ वॉट वी हैव लर्न इन टू डेज So in today's lecture, we have saw about rhythmic exercise where we have saw about balloon drill, ball drill, stick drill, and handkerchief drill. Then we have saw about different body posture where we have saw yoga is Indian gift to the world. It is a general term by for physical, mental, and spiritual education that origin in ancient India. Then we have saw various types of rules such as practice on an empty stomach or minimum three hours after eating. Remember to wear clean and comfortable clothes. Perform without wearing anything on your feet. Use a yoga mat, carpet or a soft blanket. Maintain silence in yoga room. During yoga, wipe your sweat gently with hand towel and your palm. Relax on your back for 10 seconds after each exercise. Don't drink water for 30 minutes after yoga. Then we have wrote few benefits of yoga. That was yoga improves strength, balance and flexibility. Yoga helps with black back pain relief. Yoga helps us to manage strength. So I hope you have understood it.

जो अभी मैं नोट्स आपको देने वाली हूँ वो आप अपने ई वी एस के नोटबुक में कंप्लीट करने वाले हो ई वी एस के नोटबुक में आप कंप्लीट करने वाली जो नोट्स है वो दो टॉपिक का है रिदमिक एक्सरसाइज एंड डिफरेंट बॉडी पोशन सो नोट्स आर एस फॉलोस कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज पोजिशन पी ओ एस आई टी आई ओ एन पोजिशन पी ओ एस आई टी आई ओ एन पोजिशन सेकेंड इज एक्सरसाइज ई एक्स ई आर सी आई एस सी एस ई एक्स ई आर सी आई एस सी एस थर्ड वन इज रिदामिक आर आर एच वाई टी एच एम आई सी आर एच वाई टी एच एम आई सी रिजेमिंग थर्ड वन बलून ड्रिल बी ए डब्ल एल डब्लो एन डी आर आई डब्ल एल बी ए डब्ल एल डब्लो एन डी आर आई डब्लू एल फिफ्थ वन बॉल ड्रिल बी ए डब्ल एल बॉल डी आर आई डब्ल एल ड्रिल बी ए डब्लु एल बॉल डी आर आई डब्ल एल ड्रिल सिक्स वन स्ट्रिक ड्रिल एस टी आई सी के स्ट्रिक डी आर आई डब्ल एल ड्रिल एस टी आई सी के स्ट्रिक डी आर आई डब्ल ड्रिल सेवेंथ वन हैंकर चिफ ड्रिल एच एन डी के इर सी एच आई ई एफ एच ए एंड डी के ई आर सी एच आई एफ हैंकर चिफ ड्रिल डी आर आई डब्ल एल ड्रिल एट वन बॉडी बी ओ डी वाई बॉडी बी ओ डी वाई बॉडी बी ओ डी वाई बॉडी एंड नाइन्थ वन योगा वायो जी ए वायो जी ए योगा वायो जी ए योगा आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड लीस्ट फ्यू बेनिफिट्स ऑफ योगा तो यहाँ पर आपको कोई भी दो या तीन बेनिफिट्स ऑफ योगा लिखने सो योगा इम्प्रूवज बॉडी बैलेंस योगा इम्प्रूव्स बॉडी बैलेंस देन योगा हेल्पर्स टू मैनेज स्ट्रेज योगा हेल्पर्स टू मैनेज स्ट्रेस सो दिस नोट्स यू विल राइट इन योर ई वी एस नोटबुक ये जो नोट्स है ये आप अपनी ई वी एस के नोटबुक में लिखने वाली ये होने के बाद होमवर्क होने के बाद आपको इसका फोटो खींचना है और मुझे भेजना है आफ्टर कम्प्लीटिंग योर होमवर्क यू विल टेक द फोटो ऑफ़ दिस एंड यू विल सेंड इट टू मी सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो स्टूडेंट्स थैंक यू